ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लहसुन की मदद से पिंपल और एक्ने को कैसे भगा सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। पिंपल और एक्ने एक ऐसी परेशानी है जो बहुत सारी लड़कियां इससे परेशान रहती है। इसे हटाने के लिए बहुत लड़कियां क्या क्या नहीं करती, पर क्या आप जानते हैं कि लहसुन की मदद से भी आप पिंपल और एक्ने को हटा सकते हैं। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और इसी की वजह से ये पिंपल और एक्ने को बहुत ही अच्छे से भगा पाता है। तो लहसुन को कैसे इस्तेमाल करके हमें पिंपल और एक्ने को भगाना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला कि लहसुन बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है पिंपल्स को हटाने के लिए, इसके जैसा ही लौंग भी होता है। लौंग में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे जो पिंपल है वो चले जाते हैं। इसके लिए आपको 2-3 लहसुन की कलियां लेनी है और 2-3 लौंग लेने हैं। दोनों को अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है जहां पर भी आपको पिंपल और एक्ने है, और लगभग 10 से 15 मिनटों के बाद अपने चेहरे को धो लेना है। ऐसा करने से ही आप बहुत ही जल्दी अपने एक्ने और पिंपल में बहुत ज़्यादा फर्क देख पाएंगे। इसके बाद मैं आपको लहसुन का इस्तेमाल कर पिंपल हटाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ। इसके लिए आपको 4-5 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है और उसका जूस निकाल लेना है, और इस जूस को एक्ने और पिंपल वाली जगह पर लगभग 10 मिनटों के लिए लगाकर छोड़ देना है, और उसके बाद गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। चाहे तो इस उपाय को रोज़ाना करें जिससे आपके जो एक्ने और पिंपल है वो चले जाएंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है, एक बार आपको ज़रूर करके देखना चाहिए। अभी मैं आपको और एक अच्छा उपाय बताती हूँ। अगर आपको लहसुन का जो स्मेल है उसका जो स्मेल आपको पसंद नहीं हो तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि हल्दी लेना है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसकी मदद से भी हम पिंपल को हटा सकते हैं। इसलिए आपको लहसुन का पेस्ट बना लेना है और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला देनी है। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर जहाँ पर भी पिंपल और एक्ने हैं वहाँ पर लगाकर 10 मिनटों के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपको अपने चेहरे को धो लेना है। ऐसा करने से आपके पिंपल और एक्ने में आप काफ़ी डिफरेंस देख पाएंगे और पहले से भी कम हो जाएंगे आपके पिंपल और एक्ने। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है जब आप लहसुन का रस या लहसुन अपने स्किन पर लगाए तो आपको थोड़ा सा इसकी वजह से जलन हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस हो रही है तो आप अपने चेहरे को तुरंत जाके पानी से धो भी सकते हैं, या फिर थोड़ी देर तक इस जलन को सह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपाय लहसुन के साथ पिंपल और एक्ने को भगाने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूँगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।